Hello students, let's see the question. So the question is, which of the following is not correctly matched with its feature? पूछा गया कि इनमें से कौन सा correctly matched नहीं है with its feature? Trichomes, multicellular, ये तो सही दिया हुआ है क्योंकि अगर हम देखें trichomes क्या होते हैं, ये जो shoot system पे epidermal hair like structure जो होते हैं, ये अगर हम देखें तो ये usually क्या होते हैं, multicellular होते हैं, unicellular हो सकते हैं, लेकिन usually क्या होते हैं, multicellular होते हैं, और ये branch हो सकते हैं या फिर unbranched भी हो सकते हैं, देन कभी कभी ये सेक्रेटरी भी होते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे इनका मेन ये जो रोल क्या होता है इसमें, ये किसमें हेल्प करते हैं, ये जो ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस है उसको एक तरह से प्रिवेंट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें ट्राइकोम्स मल्टीसेलुलर, ये तो सही दिया हुआ है क्योंकि ये यूजुअली क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। गार्ड सेल्स इन डाइकोट्स बीन शेप्ड, तो ये भी सही दिया हुआ है क्योंकि डाइकोट में अगर हम देखें डाइकोट लीफ में जो गार्ड सेल्स होते हैं इनका शेप अगर हम देखें ऐसे बीन शेप होते हैं यहाँ पे, ये कैसे है बीन शेप है, कैसे बीन शेप्ड, जबकि मोनोकॉट लीफ में अगर हम देखें उनमें जो गार्ड सेल्स है डम्बल शेप के होते हैं, ये तो सही दिया हुआ है। हेम्प फाइबर बास्ट फाइबर, तो ये जो है ये सही दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे ये जो फाइबर कौन सा फ्लोएम फाइबर, या ये इसको क्या बोल सकते हैं फ्लोएम फाइबर, और फ्लोएम फाइबर जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं बास्ट फाइबर, तो ये जो होते हैं फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर ऑफ जूट फ्लैक्स एंड हेम्प ये कॉमर्शियली यूज किए जाते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो है हेम्प फाइबर बास्ट फाइबर से ऑप्टेन तो सही दिया हुआ है, फ्लोएम फाइबर्स एब्सेंट इन डाइकोट से गलत दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं ये जनरली किसमें एब्सेंट होते हैं, ये जनरली जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, ये प्राइमरी फ्लोएम में तो एब्सेंट है जनरली, लेकिन प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। और हमें पता है कि डाइकोट जो होता है इसमें हमें पता है कि सेकेंडरी ग्रोथ तो देखने को मिलता है, तो वहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम में तो ये प्रेजेंट है। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये वाला जो इनकरेक्ट दिया है, सो करेक्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है, क्योंकि पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच दिस फोर्थ वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।